क्योंकि मौन इतना निश्चित मार्ग है। ये मैं इतनी जोर से इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इसी मार्ग से चला, मुझे जो भी मिला इसी मार्ग से मिला, मौन। क्योंकि जहीं आप मौन हुए आपकी 80% ऊर्जा बाहर जाना बंद हो गई। आपको ये गलत फहमी है, लोग बाग बेचारे ब्रह्मचर्य के पीछे लगे पड़े हैं, कह रहे वीर ना चला जाना, ये ना घिर जाना, वो ना हो जाना। आपको मालूम है, वैज्ञानिक थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से सोचिए, सेक्स में इतनी एनर्जी खराब नहीं होती जितनी बोल के होती। ब्रह्मचर्य करना है, किसी चीज को कंट्रोल ही करना, तो बोलने को कंट्रोल कीजिए। कम बोलिए, टेलीग्राफिक बोलिए, तो अल्प मौन में जाइए, फिर मौन में जाइए। यहाँ हम दिन भर का एक शिविर करते हैं, सुबह 7 से शाम के 7 तक। मेरे साथ यहाँ लोग होते हैं, 30-40-50 लोग होते हैं, आप में से कई लोग रहे हैं, तो दिन भर कोई बात करने का मौका ही नहीं है, क्योंकि बात मुझे जो करनी मैं कर लेता हूँ बीच में थोड़ी थोड़ी, और ध्यान कराते रहता हूँ, ये प्रयोग वो प्रयोग वो प्रयोग। शाम को जब लोग यहाँ से जाते हैं तो उनको लगता है कि इतने भर गए हैं वो कहते किस चीज़ से भर गए, वो आप ही की ऊर्जा से भरे हैं आप। क्योंकि स्वामी जी आपने भर दिया, मैंने कहा मैंने नहीं भरा, मैं क्यों भरूँ आप? आप खाली आए थे, आपने ऊर्जा को संचित किया, आप दिन भर अपने आप में रहे, ध्यान में रहे, होश में रहे, किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए, शाम को आप भर गए, लबरेज हो गए, लबालब हो गए। आइए ऐसे एक दिन के ध्यान शिविर हो, कभी एक दिन, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन। हम 5 दिन 40-50 लोग मौन में होते, समूह के साथ मौन को शुरू करिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मजा आएगा, थोड़ा ट्रेनिंग हो जाएगी। फिर असल बता दूं मैं आपको, दुनिया की सबसे सबसे सुंदर और सबसे सही जगह है साधना करने के लिए खुद का घर, दुनिया का कोई आश्रम नहीं, कोई गुरुस्थान नहीं, कोई हिमालय फिमालय कोई भी नहीं, मैं जान के कह रहा हूं। असल बात अपना घर, घर का एक कोना, वहां बैठना शुरू करो। तो इधर ट्रेनिंग ले लो, इधर सीखना है, स्कूल है, ये भी कोई जगह नहीं कि यहां पर आप कोई असल ध्यान में, तो आप अपने घर में डूबेंगे, ये तो मैंने तैयारी करा दी आपकी, घर में बैठने की तैयारी। तो मौन की दिशा में आप बढ़ना शुरू करें, स्वयं की दिशा में। आपने अभी मन में कहा था कि साहेब के घर जाना है, साहेब के घर मौन, साहेब मौन में, साहेब को सुना नहीं अभी तक किसी ने, उसके साथ मौन में होना।